अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ अंबाड़े की भाजी की सिंपल चटनी, और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त होती है, ज़रूर बनाइए। अंबाड़े के भाजी के मैं 5 कट्टे ली और मीडियम साइज़ के कट्टे थे, और इसके पत्तों को तोड़ लेना। पत्तों को तोड़ लेके 2-3 पानी से इसको अच्छे से धो ली। 2-3 पानी से धो लेके जिस भगोने में बनाना है उस भगोने में डाल देना ये। तो अब इसमें क्या करेंगे, 7-8 लहसुन के कलियाँ, 1 टीस्पून जीरा। वैसे तो ये भाजी को बनाते हैं चटनियाँ कई किस्म के, अलग अलग टाइप से सब अलग अलग बनाते हैं। ये तरीके से बनाइए आप, बहुत मज़ेदार बनती। 2 मीडियम साइज के टमाटे हैं, 15 से 20 हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची अच्छी लगती इसमें, क्यों बोलते हैं ये खट्टी रहती भाजी, तो मिर्ची की क्वांटिटी अच्छी खासी लगती, तो बैलेंस हो जाता है खटास से, वो चटपटा बना आ जाता। तो अब इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी। उसको क्या करेंगे, चूल्हे पर रख दी और 2 से 3 मिनट तेज़ फ्लेम पर पका लेना। इसमें अच्छा सा पकना शुरू हो जाना, उबाल आना शुरू होना, तो 2-3 मिनट इसको तेज पे पका लेंगे कवर करके। अब इसमें अच्छा ये पकना शुरू हो गया, तो अब क्या करेंगे, फ्लेम को धीमा करके 6-7 मिनट धीमे फ्लेम पे ढाप के छोड़ देंगे। तो धीमे फ्लेम पे इसमें भाजी में से पानी भी छूटता, टमाटर में से पानी छूटता, वही पानी में ये गल जाती कवर करने के बाद। मिर्ची आने से गलत है, तो इसको कवर करके 6-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा गैप रखना। पूरा ढापेंगे तो अक्सर पानी इसका उबल जाता है। इसको धीमे 5-6 मिनट ढाप के रखी थी, अच्छे से गल गई मिर्चियाँ और इसकी भाजी, सारी चीज़ें अच्छे गल गई। अब इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। नमक न डाली थी, अब इसमें नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से डालना। इसलिए मैं कढ़ाई रख दी, अब इसमें तेल डाली, तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे 1/2 टी स्पून जीरा और थोड़ी सूखी मिर्ची। देखिए माशाल्लाह बहुत मजेदार चटनी रहती है ये, गरम गरम राइस के साथ और तले हुए गोश्त के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। शामिया, शिकम्बो, तला हुआ गोश्त के साथ ये चटनी बनाइए आप, आपको आपके फैमिली को बहुत पसंद आने वाली। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है और खाने में जायकेदार होती है। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।